अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहा हुआ इंस्पेक्टर साहब? बहुत बुरी खबर है मौली। सर आगे किसी ने रास्ता बंद कर दिया। सर ऐसे कैसे हो सकता है? हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी ठाकुरायन बच नहीं पाएंगी हमसे। जब तक वो पकड़ी नहीं जाती आप लोगों को सावधान रहना होगा। या हो सके तो यहाँ से कुछ दिन के लिए बाहर चले जाओ आप लोग। मौली तुम जीत कर भी हार गई और मैं हार कर भी जीत गई। तुम जिंदगी भर बिलखती रहोगी अपने पापा के लिए। तुम्हारे दुपट्टे में आग लग गई और तुम्हें दूध की पड़ी है? नहीं नहीं प्यार, ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। पहले छोटी माँ का पुलिस के गिरफ्त से भागना, ऊपर से दूध का गिरना। मौली इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और पुलिस खोज रही है ना छोटी माँ को, वो बच नहीं पाएंगी पुलिस से। मौली बिहार अगर पुलिस छोटी माँ को नहीं पकड़ पाई तो हम पापा को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। और उनका वो बदला लिखना, मौली जब तक हम दोनों साथ में कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मौली कोई नहीं है। मौली क्या हुआ? बिहान यहाँ कोई था जिसने हम पर नजर रखी हुई है। मौली यहाँ तो कोई नहीं। नहीं क्या कोई था? जरूर
छोटी माँ होंगी। बिहार बिहार छोटी माँ ने हमारे ऊपर नजर रखी हुई अपना बदला लेने के लिए। बिहार आप प्लीज प्लीज हमारे लिए एक बार अंदर देख के आइए ना, हम देखते हैं प्लीज। हाँ तो मैं मौली से मंगवाऊंगी। मौली मौली मौली, छोटी माँ यहाँ आने की हिम्मत कभी नहीं करेगी। बिहार, यही तो छोटी माँ की खासियत है, जो हम सोच भी नहीं सकते। छोटी माँ वो कर गुजरती है, पर इस पर अपने परिवार पर खतरा नहीं आने देंगे। मौली, मौली, जो खुद भागी भागी फिर रही है उससे कैसा खतरा? तुम फिक्र मत करो, अगर वो आ भी गई तो गिरफ्तार होगी वो। चलो अब चलते हैं यहां से। आओ दीपक। इंतजाम हो गया है छोटी माँ, अब आगे क्या करना है ये बताइए। जो प्लान चल रहा है चलने दो, आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? समझ गई। बिहान, हमने सच में छोटी माँ को देखा था वहाँ। वहाँ कोई नहीं था। बिहान, ये लो। तुम दिन रात छोटी माँ के बारे में सोचने लगे हो ना, इसलिए उनके जैसे दिखने वाली हर औरत तुम्हें छोटी माँ ही लग रही है। क्या हुआ बिहान? बाबूजी, मौली को लगता है कि उसने छोटी माँ को वहां देखा। मौली, घबराने की कोई बात नहीं है, हम और अम्मा जी जा रहे हैं ना आज बनारस, कमिश्नर साहब से बात करेंगे। एक पुलिस वाला हमेशा यहाँ पर रहेगा, सिर्फ तुम्हारे लिए बाहर तैनात रहेगा घर के। मौली बेटा, तुम जाकर थोड़ा सा आराम कर लो, कल सारी रात तुम नहीं सोई हो एक मिनट के लिए भी, जाओ। बिहान बेटा, हम बचाव के सारे इंतजाम कर रहे हैं, अगर मेरा कहना मानो तो कुछ दिन के लिए मौली को लेकर दिल्ली चले जाओ। हाँ बिहान, ठीक कह रही हैं अम्मा जी। देखो, मौली के लिए ये हवा पानी बदलना बहुत जरूरी है, इतने लंबे समय से वो सिर्फ तकलीफें और तनाव झेल रही है बेटा, तो इन सब से उसको छुटकारा मिलना बहुत जरूरी है बेटा। दादी, बाबूजी, हम लोग सब संभाल लेंगे, और वैसे भी हम लोग आप दोनों को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते जब तक छोटी माँ नहीं पकड़ी जाती। पर मौली। दादी, मैं जानता हूँ कि मौली को इस टेंशन से कैसे निकालना, आप लोग फिक्र मत कीजिए। बिहान, मौली की टेंशन नहीं, आज मौली खत्म होगी। मौली, आज तुम्हारा जन्मदिन हम पति पत्नी की तरह मनाएंगे। I love you, Molly. यार, हम जानते हैं आप ये सब हमें खुश करने के लिए कर रहे हैं,
पर जब तक पापा नहीं मिल जाते हैं, छोटी माँ गिरफ्तार नहीं हो जाती है, हम खुश होना तो क्या, मुस्कुरा भी नहीं सकते। मौली मौली, बड़े बाबूजी जल्दी मिल जाएंगे, मेरा वादा है तुमसे। तो ठीक है भैया, हम भी आपसे वादा करते हैं, जब पापा मिल जाएंगे तो उनके साथ पूरे धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाएंगे। फिर तब तक मौली मौली मेरी बात तो सुनो। हाँ मौली। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला छोटी माँ का? मौली हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? और कितना समय लगेगा आपको एक मुजरिम को पकड़ने में? छोटी माँ कब तक गिरफ्तार होगी? तब जब वो और किसी की जान ले लेगी। मौली तुम भी जानती हो ना कि छोटी ठाकुरान कितनी शातिर है, और जब तक वो पकड़ी नहीं जाती तुम लोगों को सावधान रहना होगा। मौली! मौली! बिहार, बिहार, क्या हुआ आपको? कहाँ हैं आप? बिहार, बिहार कहाँ हैं आप? बिहार, बिहार, बिहार चाहत घोलाता, कजरारी कारी अखियां कुछ कुछ बोलाता। चल चल चकोर चेहरा, चाहत घोलाता, कजरारी कारी अखियां कुछ कुछ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Molly. ये लो मौली, केक काटो। छोड़िए हमें भैया, आपको मजाक लग रहा है ये सब? ऐसे आप चलाए हमारी तो जान निकल गई थी, हमें लगा जैसे छोटी माँ। मौली बस करो, क्या तुम थोड़ी देर के लिए छोटी माँ को भूल नहीं सकती? नहीं भैया, हमारे पापा की जान खतरे में है, हमारे पति की जान खतरे में, हमें पूरा हक है अपने पापा और पति के लिए परेशान होने का, इसलिए आप प्लीज हमसे हमारे ही हक मत छीनिए। मौली 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 मेरी बात तो सुनो। मौली ये बाहर हलचल कैसी? कौन है? कोई तो है नहीं यहां पर। मौली 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 बिहान, अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले, हमें नहीं मनाना हमारा जन्मदिन। मौली
अब बनाते रहिए हमारा जन्मदिन अकेले अकेले। कौन हो तुम लोग? मेरी बेटी का जन्मदिन मना रहे थे और मुझे नहीं बुलाया। छोटी माँ, आज मौली से मैं उसकी आखिरी प्यारी चीज भी छीन लूंगी। यही होगा उसके जन्मदिन का तोहफा। तुम लोग देख क्या रहे हो? दामाद जी को तोहफे देना शुरू करो। मौली, मौली, तुम्हारा शक ठीक था, छोटी माँ नहीं पई है। जितने चीजें तोड़ फोड़ लीजिए, पर अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। मैं ऐसे इनसे नहीं बच सकता, मुझे इनका सामना करना ही होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इस धुएं से बचना होगा। बिहान, तुम्हारी ये चालाकी किसी काम की नहीं। छोटी माँ, आप क्यों ये भाड़े के गुंडे पैसों के लिए लड़ रहे हैं और मुझे मेरी पत्नी को बचाने के लिए लड़ना है? आओ। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मेरे पैसों की लाज बचाओ, समय नहीं है हमारे पास, मार डालो इसे। कोई बात है, ये हम बेवजह ऐसा नहीं करेंगे। वाली, जल्दी इंस्पेक्टर को फोन कराओ। पकड़ो उसे, मनोज सारा क्या खराब कर देगी। पकड़ो उसे। हेलो 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 मौली, हेलो हेलो, लेकिन मौली को तो बिगाड़े आप ही हैं देवर जी, इसलिए आज आपको सुधारेंगे। We'll be right back.
करना बिहान, पर तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था हमारे खातिर। कहा था ना मैंने कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी, उस हर चीज को खत्म कर दूंगी जो तुम्हें प्यारी है। इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है कि जन्मदिन के दिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मैं खत्म कर दूं। तुम्हारा हौसला, तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा मस्त मौलीपन सबको स्वाहा कर दूं। लेकिन इससे पहले मुझे एक अधूरा काम करना है। खत्म कर दो बिहान और मौली के इस अध्याय को इस दुनिया की किताब से। तुम्हारे भाई प्रेम की वजह से ना हमें जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए चुपचाप यहीं पे खड़े रहो। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तिजोरी की चाबी कहाँ है? यहीं कहीं होगी। गई तिजोरी की चाबी, हमेशा तो यही होती है। तिजोरी की चाबी है कहाँ? कहीं मौली ने तो? इस मौली को तो मैं मौली न जाने कौन से कलम से किस्मत लिखवा के लाई है मौली, ही नहीं है।
और मैंने कैसे गधे पाल रखे हैं, और तुम लोग रघुपत काका, राजेश भैया काकी कहाँ हैं आप लोग? क्या हुआ मौली, कुछ गड़बड़ है क्या? काकी, काकी छोटी माँ अंदर ही है काकी। चलो बचाने के लिए ही कर रही है ना मौली ये सब, चाहे कुछ भी हो जाए उसका सुहाग तो मैं उजाड़ कर ही रहूंगी। अंदाजा नहीं, जानती है काहे? काहे कि आपने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं, अपने बच्चों से भी नहीं, बच्चों से भी नहीं। अब यहां से भागने में ही भलाई है। प्यार, अब कुछ नहीं होने देंगे आपको, अब कुछ नहीं होने देंगे आपको। प्यार, जल्दी आके कोई किस बात की तनख्वाह लेते हैं आप सरकार से? अगर मौली ने होशियारी नहीं दिखाई होती तो वो डाइन तो सब कुछ खा गई होती ना अब तक। मौली और बिहान की जान भी ले ली होती उसने। अम्मा जी अब इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। कैसे इनकी गलती नहीं है? मेरे बेटे को नहीं ढूंढ पाए हैं, उस राजकुमारी को गिरफ्तार तक नहीं कर पाए हैं ये। चाची सही कह रही है, हम पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते। पहले तो हमने पुलिस पे भरोसा कर लिया, लेकिन अब हमें ठकुराइन मिल गई ना, उसे हम अपने हाथों से मार डालेंगे। जन्मदिन के दिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मैं खत्म कर दूं, लेकिन इससे पहले मुझे एक अधूरा काम करना है। मैंने पूरा कमरा उलट पलट करके रख दिया है। तो इसका मतलब छोटी माँ का काम अभी अधूरा है, और इसे पूरा करने वो जरूर आएंगी। देखिए, मैं आप लोगों की भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मैं किसी भी हालात में आप लोगों को कानून हाथ में नहीं लेने दे सकता। इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं, हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। इंस्पेक्टर साहब, गांव वालों की मदद के बिना हम छोटी माँ को पकड़ भी तो नहीं सकते ना। मौली, क्या तुम्हें पता है कहाँ है अभी राजकुमारी? नहीं, अभी तो नहीं, पर हम जरूर जानते हैं कि वो यहाँ दोबारा जरूर आएंगे।
सिर्फ पैसे मांगने के लिए मुंह खुलता है तुम दोनों का, बाकी काम ढेरे भर का नहीं। तलवार की नोक पर छोड़कर आई थी बिहान और मौली को, वो दोनों बच कैसे गए? छोटी माँ देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। अगर आप मौली और बिहान को मार देती तो तिजोरी की चाबी कैसे मिलती आपको? दादी अब फिक्र मत कीजिए, छोटी माँ पापा को तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक उन्हें ये नहीं मिल जाता। तिजोरी की चाबी और ठाकुर साहब के जायदाद के कागज मौली खुद मुझे ला कर देगी। आप ही के फोन का इंतजार था हमें छोटी माँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम जीत गई? जीत और हार तो हम नहीं जानते, पर हम इतना जानते हैं कि आपकी जान इस तोते में बसी। और जिसके लिए आपने इतना सब कुछ किया उसकी चाबी हम आपके हाथ कभी नहीं लगने देंगे। चाबी तो तुम खुद लाकर दोगी मौली मुझे, वो भी मेरे पैरों पर गिरकर, क्योंकि मेरी प्यारी बेटी तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारी चीज मेरे पास है, दिखाऊं? मौली तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं सुन सकते, वो बेहोश हैं और बहुत जल्दी उनकी बेहोशी मौत में बदल जाएगी। अगर तुमने मुझे तिजोरी की चाबी और तिजोरी में रखा हुआ सब कुछ मुझे लाकर नहीं दिया तो मैं जानती हूं कि तुम अपनी छोटी माँ को मना नहीं करोगी। कब और कहाँ आना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी, और याद रखना अकेले आना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मिलेगी तुम्हें तुम्हारे पापा की लाश। और वो भी ऐसी हालत में कि तुम पहचान भी नहीं पाओगी। नहीं छोटी माँ, पापा को कुछ मत कीजिए प्लीज, हमें पापा की जायदाद नहीं पापा चाहिए। अब जब जा कहेंगे हम आएंगे, और वो भी अकेले। मैं तुम्हें फोन करूंगी मौली। नहीं मौली, मैं तुम्हें अपनी जान किसी खतरे में नहीं डालने दूंगा। मौली नहीं, तुम छोटी माँ के पास अकेले नहीं जाओगी, किसी हालत में नहीं जाओगी। तुम सुन रहे हो ना मौली, मैं क्या बोल रहा हूँ? पापा की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। और मैं अपनी पत्नी की जान किसी खतरे में नहीं डाल सकता। समझने की कोशिश कीजिए, अपने पापा के लिए हमें ये खतरा उठाना होगा। पर मौली बेटा, राजकुमारी पगलाए हाथी की तरह बौराई घूम रही है, ऐसे में तुम्हारा वहाँ अकेले जाना। इसलिए तो दादी ये और भी जरूरी है कि हम उन्हें कोई और मौका ना दे। और बेटा प्लीज बाबूजी, छोटी माँ को जो चाहिए हम उन्हें वो देंगे और अपने पापा को बचा कर लाएंगे। आखिरी बार हम पर भरोसा कीजिए, मत रोकिए हमें। काहे कि अब सिर्फ हम और हमारे भोलेनाथ ही बचा सकते हैं पापा को छोटी माँ के चंगुल से।
आपने जैसा कहा था हमने सब कुछ वैसे इस बैग में रख दिया है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव के बाहर पुलिया के पास जो कच्ची सड़क है वहां से सीधे सीधे आती रहना, जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूं। और हाँ, अगर चालाकी करने की कोशिश की तुमने तो आप हमारे पापा को जान से मार देंगे। जानते हैं हम मौली, अगर यही बात तुम बहुत पहले समझ गई होती और गांव छोड़कर चली जाती तो तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता ना। खैर, देर आए दुरुस्त आए। पर छोटी माँ, हमारी एक बात आप भी सुन लीजिए, अगर हमारे पापा को कुछ भी हुआ आप भी अपना सब कुछ खो देंगी। नहीं मौली, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। कहाँ गई? ऐसे कैसे ओझल हो गई मेरी आंखों के सामने से? मेरे को जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले बहुत देर हो जाए। पापा, पापा! मिल गए तुम्हारे पापा तुम्हें, अब मेरा सामान मेरे हवाले कर दो। नहीं, पहले हमें हमारे पापा को ले जाने दीजिए। तो तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने पापा को बचा कर ले जाओगी यहां से? ये तो सिर्फ चारा था जिसमें तुम जैसी तेज तर्रार मछली फंस गई। आज उल के साथ सूद भी वसूल करूंगी मैं, तुम्हारे बाप के साथ आज तुम भी मरोगी मौली। छोटी माँ, बचपन से सिर्फ आपके साथ अचार नहीं डाला है हमने, आपके रग रग से वाकिफ है। ये बैग देख रही है?
एक जरा सी चिंगारी और आपके सारे ख्वाब चलकर राख। फट फट फटा। ये बैग मुझे सही सलामत चाहिए किसी भी हालत में। क्या तुमने सच में ये सब दिखाने के दांत से बयान? असली बैग तो घर पे है। मार खाने के पैसे दिए, जाओ मारो। अरे निठल्लो अक्कल के अंधो, ठाकुर साहब को लो, निकलो यहां से। दीपक भैया, पापा को छोड़िए। भगवान मुंह न खुलवाए, पर अगर तुम इस बार हमारे रास्ते में आई, तुम्हारा मुंह और तुम्हारे बाल हम सब नोच लेंगे, समझ गई? भाभी, अगर हमारे पापा को कुछ हुआ तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मौली, छोड़ो हमें। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं, समझ गई? पापी आप गलत कर रही है। तकलीफ देने वालों को छोड़ेंगे नहीं बेटा।
तुमने मेरे सारे रुपए जायदाद के कागजों को आग लगा दी। मैं तुम्हें तो आज अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सरदर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम हमारी बेटी की जान लोगी। ठाकुर साहब, आपको आपको सब कुछ याद आ गया? शैतान कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन वो भगवान से आगे नहीं निकल सकता। मौली, भगवान की कृपा है। ये हमारी बेटी के लिए, इसकी जिंदगी को तुमने नरक बना दिया। ये हमारी माँ के लिए, जिसकी तुमने जान लेने की कोशिश की। ये सुलक्षणा के लिए, जिसके खून से तुम्हारे हाथ रंगे। ये बयान के लिए, जिसकी जिंदगी में तुमने इतने सारे केसेस लगा दिए। ये यकीन और रिश्ते के लिए, इसकी और मैं हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। बस कीजिए ठाकुर साहब, इसके आगे की सजा हम दिलाएंगे इन्हें। अच्छा हुआ वक्त रहते बिहान ने हमें फोन कर दिया था। गिरफ्तार कीजिए इन्हें। हाँ बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे प्यार और मोहब्बत की वजह से। हम बेहोशी में तुम्हें हमेशा याद करते रहे, बस इसी से हमें जिंदा रहने की ताकत मिली। ये सब हम कभी नहीं कर पाते। अगर बिहार ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, और हार कर ही जीतने वाले को राजकुमारी कहते हैं। अभी एक आखिरी दांव चलाना बाकी है। आज से राजकुमारी की साजिश और नफरत का वक्त खत्म हो गया है। अब वक्त आ गया बेटा, इस घर को खुशियों से सजाने का। अब घर चलते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। हेलो, क्या फिर से छोटी माँ भाग गई? हम समझ गए भोलेनाथ, अब चाहते हैं कि छोटी माँ को सजा हम खुद दें, अपने हाथों से। तो ठीक है, ये चुनौती हमें मंजूर है। देखिए एक मस्त मौली शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।